कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी दो। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कल जो बयान दिया था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इशू बनाया था और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन पहुंचे इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमारी बात से या किसी की भावना आहत हुई है या हमने कुछ गलत कह दिया है तो इसके लिए हम बिला शर्त माफी मांगते हैं और जिन लोगों ने हमारी हम पर टिप्पणी की है या हमारे खिलाफ कुछ बोला है हम उसको भी माफ करते हैं, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंगामे के बीच बिला शर्त हाथ जोड़ करके मीडिया के सामने माफी मांग ली है और कहा कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयान से किस तरह से पलट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने तो जो भी कहा है आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही हैं और उनकी संख्या हमने बढ़ाई और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर बीच में आप बोलने लगते हैं, देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, अरे आप लोगों नीचे कीजिए, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया और जब पता चला कि साहब अगर और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि दो है और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी दो और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का आया 1.7 और बिहार का आया तो वहाँ के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया और कल भी हम बता दिए इतना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है, लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। चलिए मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी
निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री का बोले तो सड़क बोले तो